लाहौल के उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत पड़ने वाली म्याड़ घाटी का अंतिम गांव खंजर बसयोग सड़क सुविधा से जुड़ गया है। तकनीकी शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजाति विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने 4.5 करोड़ की लागत से बने खंजर पुल का उद्घाटन करने के पश्चात खंजर सड़क पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खंजर गांव के लोगों ने डॉक्टर रामलाल मारकंडा सहित आए समस्त अतिथियों और अधिकारियों का भव्य स्वागत किया। उन्होंने डॉक्टर रामलाल मारकंडा का गांव को सड़क से जोड़ने के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर रामलाल मारकंडा का इस घाटी में यहां पड़ने वाले प्रसिद्ध थानपट्टन को यहां सड़क मार्ग निर्माण होने से प्रसिद्धि मिलेगी और साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ये बात उन्होंने कही। को मैं बार बार इसे याद दिलाता हूं क्योंकि आप जल्दी कई लोगों की बातों पे भ्रमित हो जाते हैं। उस चीज का मुझे बहुत दुख होता है। आपके सामने सारे काम सामने हैं, भ्रमित होने की जरूरत क्या है आपको? क्यों किसी के अधिक बातों पे आ जाते हैं, क्यों ठग जाते हैं आप लोग? ये मैं जब सोचता हूं तो कई बार चिंता होती है मुझे, बहुत सोचना पड़ता है कि मेरी माता बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, सबको हर चीज शीशे की तरह सब कुछ सामने नजर आता है, फिर भी आप भ्रमित होते हो, फिर भी आप ऐसे लोगों के मुंह में जाते हो, तो चिंता का विषय होता है। क्या हम अभी तक इतने साल आजादी के बाद हम ऐसे चाटुकारों के मुंह में आ जाएंगे? दो लोग ठगाते हैं उनके मुंह में बातों पे आ जाएंगे हम लोग, क्या होगा देश का? जो लोग आपके नाम पे पैसे दूसरों से खा के आ जाते हैं, आप उनके हाथों में खेलते हो, क्या होगा सलगांव का भविष्य? अभी सोचा है आपने? मुझे चिंता होती है हमेशा। मेरे पार्टी के नेता भी बैठे, मैं उनको स्पष्ट बार बार बोलता हूं, ये नेता मेरे उनसे उन नेताओं से 1000 गुना ऊपर नहीं लोग, ये लड़के सब ईमानदार लोग मेरे साथ चलाए हुए, ये मेरे पार्टी के लोग आते हैं, बात करते हैं, मारकंडा ये करना है, मैं करता हूं, करूंगा, परंतु आपसे मेरे निवेदन है, काम करते हैं, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे 420 केस काम करते हैं। केलांग से न्यूज़ सुपर भारत के लिए रंजीत नहोली की रिपोर्ट, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।